छत्तीसगढ़ के बजट पर रिएक्शन आ रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जरा वो भी सुन लेते हैं। अनी पेंशन योजना बहाल कर दी गई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मेरे साथ हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं ये बजट? है आम जनता की बजट है, किसान की बजट है, जो गांधी जी के जो ग्राम स्वराज की कल्पना है उसे साकार करने वाला बजट है। तो ग्रामीण क्षेत्र कैसे, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई 600 करोड़ का। वहीं भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनको जो राशि मिलती थी 6,000 से बढ़ा के 7,000 कर दिया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,000 करोड़ की इसमें व्यवस्था है। शहरी विकास के लिए भी है, ग्रामीण विकास के लिए है, सड़क निर्माण के लिए, सिंचाई के लिए भी है, विद्युतीकरण के लिए भी है, आदिवासी अंचलों में भी के लिए भी, और जितने लघु अनुपज है उसको वैल्यू एडिशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये आम जनता के आय कैसे बढ़े उसके इस बजट में प्रावधान किया गया है। विपक्ष जब ताली बजाता है किसी बात को लेकर तो खुशी भी होती, 2 करोड़ से 4 करोड़ उनकी विधायक निधि भी कर। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र में जाते हैं, विकास कार्यक्रम की उसी चिंता रहती है, तो पूरा हुआ। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पेंशन योजना माइलस्टोन है, जो घोषणाएं की गई है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए माइलस्टोन साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ रायपुर विधानसभा से आदित्य नामदेव।